हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे और आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी। होप यू डूइंग वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि इस साल आपको पता ही है, हम ताबड़तोड़ बेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के सारे लेक्चर पूरे साल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल करना है तो इतना, हमारे चैनल अकाउंट हवेली को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कोई भी डाउट या आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी, जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगेन। बेटा जी, चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनका जनरल मीनिंग क्या है, अगर यही पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें क्या लिखना है, क्या हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं, साथ में कितने टाइप के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यहां पर हम इस चैप्टर में ये कवर करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम कवर करेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उनका मीनिंग क्या होता है, और उनमें से पहला प्रिंसिपल, यानी कि जो पहले आपके ऑथर हैं, जो पहले आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल वाले अप्रोच वाले पर्सन हैं, पर्सनैलिटी हैं, द ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका नाम है ट्रेलर साहब। तो आज हम ट्रेलर साहब के प्रिंसिपल कवर करने वाले हैं। ट्रेलर साहब के प्रिंसिपल को साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है मेरे बच्चों। तो आज की क्लास में हम केवल उतना ही कवर करेंगे, चार प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं, वो चारों प्रिंसिपल हम यहाँ कवर करने वाले हैं। प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करते चलेंगे मेरे बच्चों। चलिए जी, प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल होते क्या है। बेटा जी, प्रिंसिपल आपके जर्नल रूल एंड रेगुलेशंस या जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, और वो गाइडलाइंस बहुत ब्रॉड होती हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करेगी, क्या काम ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना है, क्या नहीं करना है, एम्प्लॉइज के लिए कितना फ्रीडम रहने वाला है, किस बेसिस पे प्रमोशन होगा, किस बेसिस पे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, किसको क्या काम देना है, किसको क्या काम नहीं देना है, किसके एक्सपीरियंस को कैसे यूज करना है, किसको टेक्निकल वर्क देना है, किसको नॉन टेक्निकल वर्क देना है, इस तरीके के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बने होते हैं जिनको फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। अब बात ये आती है कि ये रूल एंड रेगुलेशन जो हैं, ये कैसे बने हुए हैं। बेटा जी, रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो दो तरीके से बेस्ड होते हैं। पहला, जो हमारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, या जो पूर्व में, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि लास्ट में जो लोग ऑर्गेनाइजेशन अपनी चला रहे हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने उनके ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि वो क्या रूल एंड रेगुलेशन, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आपने उनको ऑब्जर्व करते हुए अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए, आप उनके आधार पर बिजनेस को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, एक को हम साइंटिफिक अप्रोच वाले रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं और एक को बेटा जी हम ट्रेडिशनल रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं। तो जर्नल लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉडर जर्नल गाइडलाइंस हैं जिनके आधार पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये डिसीजन मेकिंग जो हम कर रहे हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो सकती है या एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हो सकती है, यही हमारे जर्नल प्रिंसिपल या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। एक बार देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं नोट्स के साथ साथ, नोट्स को आगे लेके चलते हैं बेटा जी। तो यहां पर बोला हुआ है ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है बेटा जी। तो यहां पर आपके लिए कीवर्ड रहने वाला है ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइन डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड बिहेवियर डेवलप, या इसके अलावा कोई डेवलप बिहेवियर है और वो बिहेवियर डेवलप किस पर हुआ है बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया, बाकी लोगों को देखा उन्होंने क्या किया हुआ है, या आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखा ये तरीका अच्छा नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं, या आपने खुद की एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे कोई रूल बनाया, या आपने ऑब्जर्व किया दूसरे को उसके आधार पे कोई रूल बनाया, एज वेल एज
पर्सनल एक्सपीरियंस या आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करके कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया है। तो जर्नल गाइडलाइंस है, बोर्ड गाइडलाइंस है, जो आपके ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर या पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो सकती है, उन्हीं को हम बेटा जी बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहां पर आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये दो मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं। जर्नली बेटा जी ये वो दो महान लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, और इन दोनों के बेटा जी प्रिंसिपल आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो एक को बेटा जी हम बोलते हैं हमारे ट्रेलर साहब, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा जी हमारे फेयोल साहब। तो या तो हम हेनरी फेयोल साहब के प्रिंसिपल यहाँ पढ़ने वाले हैं, और एक हम यहाँ पे बेटा जी ट्रेलर साहब के प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेलर साहब के प्रिंसिपल के बारे में। इतना ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई बर्डन ना हो और इजिली आप इन चीजों को समझ पाए। तो इन दो महान लोगों के बारे में, मैनेजमेंट थिंकर्स के बारे में, जिन्होंने मैनेजमेंट को लेकर अपने रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं, हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जी सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर साहब की। पहला तो आपके लिए काम यही है कि सर पूरा नाम हम याद रख के चलेंगे कि ट्रेलर साहब का पूरा नाम क्या होता है। गौर से देखिए इस चेहरे को, मुझे नहीं बेटा जी, इस चेहरे को गौर से देखिए। इस चेहरे को बेटा जी कहा जाता है फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। इन्होंने ही मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को और साइंटिफिक अप्रोचेस को आगे लेकर आए हैं ये, या ऐसे बोलें इन्होंने ही उनको बढ़ावा दिया है। तो इनके बारे में कुछ जर्नल लाइनें पता होनी चाहिए, बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए, बाकी इतनी कोई खास है नहीं। ये 20 मार्च 1956 में इनका जन्म हुआ और ये 21 मार्च 1915 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अलविदा कह गए इस दुनिया को, और पीछे छोड़ गए अपने कुछ रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल जो बेटा जी आप लोगों को याद करने हैं, आप लोगों को पढ़ने हैं और ये पेपर में आएंगे। प्रोफेशन से ये क्या थे? प्रोफेशन से सर ये एक अमेरिका में कोई मैकेनिकल इंजीनियर साहब थे, यानी कि इंजीनियर साहब ने अपनी साइंस को कॉमर्स में लाकर यूज किया और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बना दिए, और इसीलिए इन्होंने, ये प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे, साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उस साइंस को इन्होंने मैनेजमेंट के लिए यूज किया कि हमें किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच को मैनेजमेंट में फॉलो करना चाहिए। कुछ इनके बारे में, इनकी पोजीशंस वगैरह लिखी हुई हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे थे, इन सभी को आप पढ़ लेंगे। ऐसा कोई खास बात यहाँ पर है नहीं बेटा जी, ये इनकी उपलब्धियां हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेन यहाँ पर एक MCQ मेरे बच्चों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है। तो ट्रेलर साहब को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, आपको ये बात याद रखनी है बेटा जी। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और कुछ बातें करते हैं कि इन्होंने, फादर ऑफ मैनेजमेंट ने, फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने क्या क्या बातें बोली कि अपने प्रिंसिपल में, अपनी ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या क्या कहा, किन किन बातों को ध्यान रखना है। ये बोलते हैं कि आज के मॉडर्न मैनेजमेंट को अनप्रोफेशनल एंड शुड बी स्टडीज एज अ डिसिप्लिन, यानी कि ये कहते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन बेस्ड होना चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैनेजमेंट हमारा डिसिप्लिन बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल एंड रेगुलेशन है एम्प्लॉइज को वह स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। उन लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो बिना बात के स्ट्राइक वगैरह ना करें, कोई भी ऐसा अनएथिकल वर्क ना करें जो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करेगा। स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी है, इस तरीके की चीजें गलत हैं, यूनियन वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस चीज पे ये जोर देते थे, और इसी बात पे बोलते थे कि हमें डिसिप्लिन में रहना है। यानी कि एम्प्लॉइज को एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पे चलते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाना है, तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, ऐसा इनका मानना था। साथ में ये बोलते थे कि वर्कर को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, यानी कि सब लोगों को मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में वर्क करना चाहिए। ये तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पहले मैनेजमेंट में भी पढ़ के आए हैं, वहां पे हमने कहा था सेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, तो वही बात को ये उठाकर लाए और बोलते हैं कोऑपरेशन होना जरूरी है। और इस बात में इन्होंने एक हेडिंग भी बोली, इन्होंने कहा इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, और वहां पर उसकी जगह होना चाहिए कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें।
यानी कि इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा कि मैं नहीं चलेगा, हम चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन मैं से सक्सेसफुल नहीं होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी हम से। ठीक, तो ऐसे समझ लो हिमेश रेशमिया जी ने यहीं से गाना बना दिया कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ये हम पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि हम एज ए टीम काम करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने बोला और उन्होंने कहा देयर वुड बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियन। कह रहा है ये ट्रेड यूनियन यूनियन इस तरीके के ड्रामे की जरूरत नहीं है, सबको मिलकर काम करना है, डिसिप्लिन में काम करना है। ठीक है, और इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्क फोर्स। कह रहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो बेटा जी इनोवेटिव वर्कफोर्स होना चाहिए, यानी कि इनोवेटिव होना चाहिए। नई नई टेक्निक्स हम यूज करें, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करें, जिसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि कोई उनके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्री है, वो उस चीज को पढ़कर समझ कर आए हैं, वो क्वालिफाइड लोग हो गए उनमें। और ट्रेंड लोग यानी कि जिन्होंने ट्रेनिंग की है उस पर्टिकुलर एरिया में और वो ट्रेनिंग के बाद उन्होंने उस चीज को समझा है। तो कहने दोनों लोगों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लोग ट्रेंड और प्रोफेशनल, यानी कि जो ट्रेंड लोग हैं उन लोगों में और जो क्वालिफाइड है उन लोगों में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। वो इस चीज पर ध्यान, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने मोटे मोटे तौर पर ये दो तीन बातें बोली हैं और इन्हीं तीन बातों को आगे चलकर कोट कर लिया जाता है बेटा जी इनकी की हेडिंग्स के तौर पे। वो बात आगे करेंगे, वहीं से आपने जो स्टार्टिंग में तीन बातें लिखी है ना बेटा जी, वहीं से चार हेडिंग बनेंगी इनकी प्रिंसिपल की, जो ड्राइव वहीं से हो रही है उसको हम अंडरलाइन करके आगे कर लेंगे। तो बेसिक तीन चार बातें हैं जो आप लिख के रखेंगे। अब इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कहा जाता था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कह रहे थे कि हम साइंटिफिक बात करेंगे, ये होता आया है, हमारे यहाँ ये चल रहा था, हम लोग ऐसे करते हैं काम। कह रहा नहीं, ये चीजें साइड रखो, आप ये काम ऐसे क्यों कर रहे थे, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है तो आप हमें बताइए, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हवाबाजी में नहीं कि जो सीनियर लोग हैं वही प्रमोट होंगे, जो पहले से काम करते आ रहे हैं वही मैनेजर बनेंगे, ऐसे नहीं होगा। जो क्वालिफाइड होगा वो मैं पहले ट्रांसफर करेंगे, यानी कि उसको हम पहले ऊपर लेके जाएंगे, हम उसका ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके मतलब उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, इस आधार पे प्रमोशन नहीं होंगे कि आप पुराने हैं, इस आधार पे प्रमोशन होंगे कि आप में क्वालिटीज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो ये नहीं चलेगा, ये पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी, साइंटिफिक अप्रोचेस चलेंगी। तो इन्होंने कहा कि ये छोड़ो ये पुरानी एक ट्रेडिशनल अप्रोच मैनेजमेंट की, और आपको ध्यान रखना है कि हमें न्यू और साइंटिफिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है। तो ये कह रहे हैं पुरानी बातों को छोड़ो, पुराने टाइम पे क्या होता आया था उससे लेना देना नहीं है, नई साइंटिफिक अप्रोच आपको फॉलो करनी है। तो ट्रेलर ने दो बातें बोली, उन्होंने कहा आपको कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल हम बता रहे हैं वो फॉलो करने हैं और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं आपको उनको ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने दो बातें बोली हैं, एक इन्होंने कहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एक इन्होंने कहा है साइंटिफिक टेक्निक्स। तो बेटा जी आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल। आज की पूरी क्लास में हम चार साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हैं वो कवर करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे अच्छे से ताकि आप समझ पाए। तो चार प्रिंसिपल वो कौन कौन से होते हैं आप जल्दी से लिखेंगे, चार प्रिंसिपल इन्होंने बोले हैं बेटा जी, वो चार प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं। और चार प्रिंसिपल बेटा जी, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, दिस वन इज फोर, थर्ड एंड दिस वन इज फोर। तो चार प्रिंसिपल इन्होंने बोले हैं बेटा जी, इन चारों प्रिंसिपल को आप लिख लीजिए, फिर हम इन प्रिंसिपल को आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जी अब देखिए जल्दी से समझिएगा। पहला इनका प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल में ये कहते हैं, पहले प्रिंसिपल में ट्रेलर साहब आपसे बोलते हैं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। कह रहे साइंस चलेगी, ढंग से सुनना अब ये बात है क्या। पहला प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का इनका साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, यानी कि पहले से ये चलता आया है ये आधार नहीं होगा,
हमारे मैनेजमेंट में अब जगह मिलेगी साइंस को, हमारे यहाँ ये होता है, ना 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 साइड रखो इस बात को, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, साइंस पे बात करेंगे, टेक्निक पे बात करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं चलेंगी, नई अप्रोच लेकर आओ। तो हाउ द एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बात करता हूँ, बताओ एम्प्लॉय कैसे प्रमोटेड होने चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा कि रूल ऑफ थंब तो चलने वाला नहीं है, रूल ऑफ थंब मतलब सीनियोरिटी के बेसिस पर हम अभी तक एम्प्लॉयज का प्रमोशन करते आए थे, तो ये कह रहे हैं ना जी ना, अब छोड़ो इस बात को, अभी तक होता आया होगा सीनियोरिटी के बेस पे, अब नहीं होगा, अब प्रमोशन तो इस आधार पर होगा जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी उसको हम आगे लेकर जाएंगे। ऐसा कुछ बोलते हैं हम कि प्रिंसिपल चलेंगे साइंस के, नोट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये होता आया है, वो होता आया, इन बातों को साइड रखो, आपके यहाँ जो होता आया होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब में हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी, कि यहाँ पर इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन, क्या लिख सकते हैं बेटा जी, इट इन्वॉल्विंग या इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, कह रहा पहले आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट का मतलब आपको देखना है वो सही है या नहीं है, आपको उनको इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे कैसे करें। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा इन्वेस्टिगेट करना है, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करना है उनको, आप वर्क स्टडीज को देखिए और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, और ये पता करिए और या डेवलप करिए एक सबसे बेस्ट मेथड जिससे क्या मैक्सिमाइज हो जाए एफिशिएंसी। देखिए अभी तक क्या होता आया था इसको इन्वेस्टिगेट करें, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपको एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है। सर हमारे यहाँ इस तरीके से काम होता हुआ आया था, तो देख लीजिए किस तरीके से काम होता हुआ आया है, और उनमें से जो बढ़िया मेथड हो वो एक ढूंढकर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और वो मेथड सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमाइज कर दे एफिशिएंसी। यानी कि बहुत सारे मेथड थे जो पहले से चले आ रहे थे, उनमें से वो मेथड ढूंढना है जो आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर दे। जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है मैं उनसे चाहूंगा कमेंट में वो मुझे लिखकर बताएं कि एफिशिएंसी का लेना देना किससे था, टाइम से था या कोस्ट से था। जिन लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में इन्होंने बोला कि हिट एंड ट्रायल मेथड शुड बी अवॉइडेड, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा, आप अपने पुराने मेथड को इन्वेस्टिगेट करें और देखें उनकी वर्क स्टडी, उनके बारे में जो वर्क स्टडी अवेलेबल है उसको पढ़ें, किन एक्सपेरिमेंट्स पर वो बेस्ड हैं ये देखें, और उनको देखने के बाद उनमें से एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करें, और वो मेथड वो होना चाहिए जो आपकी एफिशिएंसी को क्या कर दे, मैक्सिमाइज कर दे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेंगे, इन मेथड को हमें नहीं चलाना है। साथ में एक बात और देख सकते हैं, देखिए अब साइंटिफिक अप्रोच में वो क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे कोट करें, देखिए अगर आपको मैसेज भेजना है तो अगर आप मैसेज ईमेल से भेजेंगे तो जल्दी चला जाएगा, कम कॉस्ट में जाएगा, राइदर देन आप पोस्ट से भेजते हैं, टाइम भी लगेगा पैसा भी खर्च होगा। तो रूल ऑफ थंब हमारे यहां तो पोस्ट से जाता था अभी तक, तो पोस्ट से क्यों जा रहा था, इतना टाइम क्यों खर्च कर रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, ईमेल करो, ईमेल से काम का निपटारा करो, इन्होंने ऐसा बोला। यानी कि साइंस को अपने मैनेजमेंट में जगह देनी है, बेसिकली ये बार बार इसी चीज को बोल रहे हैं बेटा जी। चलिए साइंस एंड रूल ऑफ थंब में मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो ही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं बेटा जी, जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं बेटा जी, डेवलप करिए थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारे यहाँ ये होता आया है इस बात को हटा दीजिए, ये एनालाइज करके कि हमारे लिए क्या बढ़िया है, साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बढ़िया है वो करना है, रूल ऑफ थंब को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, हटा देना है, ठीक है जी। फॉलो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होना चाहिए, इन्वॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेथड, कहने साथ में ऐसी बात नहीं है पुराना मेथड खराब था, पुराने मेथड को इन्वेस्टिगेट करना है थ्रू वर्क, वर्क के थ्रू अगर वो ही बढ़िया है या बहुत सारे पुराने हमारे मेथड हैं तो उनमें से जो भी आपका मेथड बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मेथड बेस्ट उसको बोलेंगे जो आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करे। तो
कुल मिलाकर वो सारी बातें जो हमने आपको पहले बोली थी वही लिखी हुई है। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिस हमें अडॉप्ट करनी है जिससे सेव हो ह्यूमन एनर्जी, यानी कि ह्यूमन एनर्जी कम से कम खर्च हो और हमारी वेस्टेज ऑफ टाइम कम से कम हो और मटेरियल भी कम से कम वेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब एफिशिएंसी का मतलब ये है। कुल मिला के इसका लिंकेज किसके साथ हो जाएगा बेटा जी? एफिशिएंसी के साथ हो जाएगा। कह रहे कम से कम रिसोर्स खराब होने चाहिए, इसका मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चलिए जी अब बात कर लेते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये क्या है जी? देखो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इससे पहले आप यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है इन पे गौर करें। देखो मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं मेन की लीडर्स हैं वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन या ग्रोथ हो, वो लोग ये चाहते हैं। दूसरी तरफ सर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करते हैं, वर्कर या एम्प्लॉयज, उन वर्कर या एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिले और साथ में उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। पता चला उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए खून पसीना बहा दिया, इतनी ईमानदारी से काम किया और फिर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को टाटा बाय बाय कर देगी। तो अगर ये वाला डर एम्प्लॉय के दिमाग में रहेगा कि मेरी तो जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है, उसको ये लगेगा कि मुझे तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, या उसे ये मिलेगा कि मुझे तो उतनी सैलरी मिली नहीं रही है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो बेटा जी वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। साथ में अगर मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा सेल और हमारा एक्सपेंशन और ग्रोथ, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर मैनेजमेंट भी खुश नहीं रहेगा और दोनों के बीच में बेटा जी दूरियां आ जाएंगी। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए तालमेल, दोनों के बीच में तालमेल का होना जरूरी है। अब वो तालमेल कैसे होगा उस पर हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से उनके बीच में तालमेल होगा। तो मैनेजर, व्हाट मैनेजर कैन डू इट टू मेक पॉसिबल, दोनों बातें हो जाएं, जो मैनेजर चाह रहे हैं वो मिल जाए, जो एम्प्लॉई चाह रहा है वो मिल जाए, वो सब बातें कैसे पॉसिबल होंगी, इसी बात को हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। हर नोमी नोट डिस्कोर, देखिए जरा, देयर शुड बी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट के लोग, ये मैनेजमेंट वाले प्लस मान लो ये हैं वर्कर्स, सर इन दोनों में ना, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे काम करें ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन सारे रिजल्ट अचीव कर पाएगी। अगर इन दोनों में मनमुटाव रहेगा, अगर एम्प्लॉयज को ये लगेगा कि हमारा तो खून चूस लिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, पैसे देते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं, हमारा शोषण हो रहा है, अगर एम्प्लॉई में ऐसी फीलिंग रहेगी तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब देखिए, जॉब देने वाले को ये लगता है कि ये उतना काम नहीं कर रहे जितनी हमें सैलरी मिल, हम इनको सैलरी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ काम करने वाले को ये लगता है मैं जितना काम कर रहा हूँ उतनी मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो ये नहीं होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए सर? होरोनोमी होनी चाहिए, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके दरमियान फासले नहीं होने चाहिए, उनके वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, तो उनमें तालमेल का होना जरूरी है। वो तालमेल कैसे बनेगा, वही बात उन्होंने यहां बोली है कि देखिए एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए किस किस के बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कैसे हो पाएगा? बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, दोनों को लगना चाहिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं, मैनेजर्स भी जरूरी हैं और वर्कर्स भी जरूरी हैं। मैनेजमेंट शुड शेयर, मैनेजमेंट को भी शेयर करना चाहिए गेन ऑफ द कंपनी विद द वर्कर, यानी कि कंपनी ने जो कमाया है वर्कर्स की वजह से ही तो कमाया है, वर्कर हार्ड वर्किंग है तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो बेटा जी जो वो कमा रहे हैं कम से कम वर्कर के साथ शेयर तो कर दो, वो ये बोल रहा है आप जो कमा रहे हो वर्कर के साथ शेयर तो कर दो, साथ में बोल रहा है और इन रिटर्न, क्योंकि वो तो जो भी कमाएंगे ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, तो इसी के रिटर्न में वर्कर शुड वर्क हार्ड विद द डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी,
वर्कर भी हार्ड वर्क करें डिसिप्लिन के साथ और लॉयल्टी के साथ। बेटा सारे के सारे लॉयल्टी तो समझते होगे, लॉयल्टी प्रूव कर दीजिए। सर हमने एक वेब सीरीज देखी थी सर, कौन सी वेब सीरीज थी जिसमें लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती थी पहले? तो पापा वो लॉयल्टी प्रूव कर दिए हैं इसलिए हमने उनको टेंडर दे दिए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ याद है आपको, वो तो याद होगा पक्की सी बात है। सर आगे बोल रहा है, प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज बाय द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड द वाइस वर्सा। कह रहा है जी हे मालिक, तुम अकेले में खुश नहीं हो सकते हो, आपकी खुशी तब तक ही रहेगी जब तक आपके वर्कर की खुशी रहेगी। तो अगर मालिक ये चाहता है उसकी प्रोस्पेरिटी बनी रहे तो उसे वर्कर की प्रोस्पेरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वर्कर भी कमाए, वर्कर भी ग्रो करे, उनको भी सैलरी मिले, वो जो कुछ भी कमाए वर्कर्स की वजह से उनको अप्रिशिएट करे, उनको मोटिवेट करे, उनको ज्यादा से ज्यादा सर बोनस वगैरह दे, ज्यादा एम्प्लॉयज को काम करने वालों को। तो इस तरीके से हमें उन्हें कंपनसेशन ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ताकि उन्हें भी लगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा कितना ध्यान रखती है, जान दे देंगे हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारा ध्यान रखती है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। मालिक अपने एम्प्लॉयज के लिए इस तरीके की फीलिंग रखे कि मेरे एम्प्लॉयज ही सब कुछ हैं, और एम्प्लॉयज अपने मालिक के लिए इस तरीके की फीलिंग रखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं। चलिए जी आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बोल रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि एकल चलो नहीं होना चाहिए, मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो ये होना चाहिए। ठीक यही बात मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, हिमेश रेशमिया ने जो गाना गाया था कि दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। तो कोऑपरेशन का मतलब हम, ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी मैं से नहीं चलती, ऑर्गेनाइजेशन हम से चलती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम काम कर रही है। तो जब तक वो टीम मिलके नहीं चलेगी, जब तक वो टीम मिलके काम नहीं करेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट अचीव नहीं करेगी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम सारे मिलकर चलें, मिलकर काम करें। तो देखें बेटा जी इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है ये एक्सटेंशन है किसका, इससे लास्ट में जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है होरोनोमी नॉट अ डिस्कॉर्ड, यानी कि दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे को अपना ही टीम का हिस्सा समझे, मतलब एक ही मान के चलें, तभी। तो ऐसा कब हो पाएगा, जब उनके अंदर हम की भावना रहेगी, मैं की भावना नहीं रहेगी। सर आगे बोल रहा है कंपनसेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ बेटा जी, कंपनसेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड अवार्ड्स वर्कर, अवार्ड वगैरह दे दिया करो किसके लिए, उनके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए, और उनको इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेते हो उनका इन्वॉल्वमेंट, यानी कि उनके वेलकम करो सजेशन का, उनसे बोलो भैया ये ऐसे कर रहे हैं, आपकी कोई सजेशन है तो हमें दीजिए, आप सभी के सजेशन हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। उनमें से जो भी सजेशन आपको वैल्यूएबल सजेशन दे, उस वर्कर को आप क्या करो अवार्ड वगैरह दो, ताकि बाकी लोगों को भी लगे अगली बार हम भी सजेशन देंगे, हम भी अवार्ड जीतेंगे। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ाना है आपको। कैसे बढ़ाएंगे, अवार्ड वगैरह देके, नई नई टेक्निक्स यूज करके, ताकि वो भी आपके साथ मिलजुल कर रहे हैं। वर्कर शुड अवॉइड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड एंड स्ट्राइक, और वर्कर को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट उनकी सारी बातों को सुन रहा है और ये बोल रहा है आप हमारे लिए वैल्यूएबल हो, आप हमारे लिए वैल्यूएबल हो, तो ऐसा नहीं है आपकी डिमांड अनरीजनेबल हो जाए। अरे हमारे बिना तो कंपनी चलेगी नहीं, तूने सुना नहीं मैनेजर क्या कह रहा था, आप तो हमारे लिए हीरा हो ये हो, तो बिना हीरे ये क्या कर लेगा, ये तो कोयले की खान है, हम ही हीरे हैं यहाँ के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, कोई बिना बात की स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी, कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं रखनी, रीजनेबल डिमांड रखनी है, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी है, ये सारी बातें यहाँ पर आप समझ के चलेंगे। चलिए जी जो अभी तक बोला है वो सारी बातें यह लिखी हुई है बेटा जी, वही बातें यहाँ पे और डीपली थोड़ा लिखी हुई हैं, तो आप इनको एक बार कॉपी कर लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जी अब आगे बात करते हैं बेटा जी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक। अब ये इनका लास्ट पॉइंट है बेटा जी, इसको भी ढंग से करके चलेंगे। चलिए जी देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द
एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, इसीलिए देयरफॉर एम्प्लॉय विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी सिलेक्टेड। देखो इतनी देर से बात कर रहे हो एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तभी मिलेगी अब जब आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाले लोग आपके पास हैं और आप उनको सेलेक्ट करें, यानी कि जिन लोगों को आप काम पे रखें उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्हीं को सेलेक्ट करना है तभी एफिशिएंसी मिलेगी। साथ में सेलेक्ट करने के बाद आपको उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देनी है, जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया है उनको आपको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको काम असाइन करना है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो आपने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग देने के बाद आपको वर्क असाइन करना है, और वर्क किस आधार पर असाइन करना है? सर जो हेल्दी और स्ट्रोंग लोग हैं, जो फिजिकल वर्क इजीली कर सकते हैं, या ये कह लो यंग हैं फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं, उनको अकॉर्डिंगली फिजिकल वर्क दीजिए। वो लोग जो मेंटली स्ट्रोंग हैं, जिनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि जो दिमाग का काम अच्छे से कर पाएंगे, जो सोचने समझने वाला थिंकिंग वाला प्लानिंग वाला काम अच्छे से करते हैं उनको वो काम दीजिए। तो जो आदमी जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। सर जो देखने में तकड़ा है हट्टा खट्टा है उसको आपने दिमाग का काम दे दिया, उसका दिमाग का काम उसे आता नहीं है। जो बेचारा हल्का सा है जिसका दिमाग मजबूत है उसको आपने फिजिकल वर्क दे दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना तो एम्प्लॉयज की प्रोस्पेरिटी बनेगी और ना आपका वर्क अच्छे से खत्म हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करना है बेटा जी उन पर्सोनल्स को जो क्या है क्वालिफाइड है, और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है तभी आपको एफिशिएंसी मिलेगी। साथ में बेटा जी बोल रहा है एफिशिएंट एम्प्लॉई वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉईज को रखेंगे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा ही कमाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये सब आज हमने आपके लिए पढ़ा हुआ है, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी कर लेंगे बेटा जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या टेक्निक्स होती हैं ट्रेलर साहब की। तो ट्रेलर साहब के प्रिंसिपल आज हमने खत्म किए हैं, कल हम ट्रेलर साहब की टेक्निक्स खत्म करेंगे। आज की ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में अपने नीडी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए इसको पढ़ते रहें, अच्छे से करते रहें। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। चलिए टेक केयर, बाय बाय।